दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी बात भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। आप सुन रहे हैं हर्षवर्धन पटेल को वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू एड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकती है। तो चलिए सुनते आज की कहानी। आज की कहानी हमने आपके लिए लाई है गोपी नाम की लड़की की। गोपी एक 10 से 12 साल का हिंदी भाषिक लड़का था जो हिंदी बोला करता था। गोपी के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और इसके चलते उनका तबादला होते रहता था, ट्रांसफर होते रहते थे। और ऐसे ही एक बार उनका ट्रांसफर हुआ हैदराबाद में। साउथ इंडिया में आने का गोपी का यह पहला चांस था, क्योंकि गोपी एक नए शहर में आया हुआ था, उसका स्कूल में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ था और ज्यादातर समय अपने घर पर ही बिताया करता था। उसको हैदराबाद की तेलुगु भाषा समझ में नहीं आती थी, इसलिए वो ज्यादा बाहर भी नहीं जाता था। लेकिन जब वो घर में रहता था तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते थे जिनके आंसर वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऐसे एक शाम को उसने देखा कि जब उसके पिताजी ऑफिस से वापस आए हैं तो उसकी माँ ने टेबल को साफ किया और वहां पर अच्छे से चाय बिस्किट अरेंज कर दिए ताकि उसके पिताजी उनका आनंद ले सके। ये सब जब गोपी देख रहा था तो उसके दिल में एक सवाल आया और उसने अपनी माँ से पूछा कि पिताजी रोज क्यों बाहर चले जाते हैं। उसकी माँ ने स्माइल कर कहा, क्योंकि उनको ऑफिस चलाना होता। जब गोपी ने यह सुना तो उसके दिल में और एक सवाल आया, तो उसने माँ से पूछा कि माँ तुम दिन भर घर पर क्यों रहती हो। तो उसकी माँ ने फिर स्माइल किया और कहा, क्योंकि मुझे घर चलाना होता। गोपी ने आंसर सुना और उसके बारे में सोचने लगा, और ऐसा ही सोचते सोचते वो खिड़की के पास जाकर बैठ गया और बाहर की तरफ देखने लगा। गोपी जब खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसने देखा कि बाहर कितनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, बाहर कितने सारे लोग कुछ कुछ सामान बेच रहे हैं, बाहर कितने सारे पंछी उड़ रहे हैं, कितने सारे घर बने हुए हैं। गोपी ने जब ये सब देखा तो उसके दिल में एक इनोसेंट सा सवाल आया और उसने अपनी माँ को पूछा कि माँ बाहर ये सब जो दुनिया चल रही है इसको कौन चलाता है। उसका इनोसेंट क्वेश्चन सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर स्माइल आ गई और माँ ने कहा, बेटा दुनिया को भगवान चलाता है। कुछ ही देर में गोपी के पिताजी भी उनके साथ शामिल हो गए और बैठकर चाय पीने लगे। तब गोपी के दिल में ख्याल आया कि जब मेरे पिताजी काम कर घर आते हैं तो मेरी माँ उनको चाय बिस्किट पूछती है, लेकिन भगवान जो इतनी बड़ी दुनिया चलाता है उनको कोई खाना पूछता भी है। और जब उसके दिल में ये ख्याल आया तो उसने ठाना कि वो भगवान से मिलेगा और उनको खाना जरूर पूछेगा। नेक्स्ट डे जब गोपी सुबह सुबह उठा तो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ मुझे क्या तुम आज चार पराठे बनाकर दोगी। तो माँ ने पूछा, हाँ हाँ जरूर दूंगी, लेकिन इन चार पराठों का तुम करोगे क्या। तो गोपी ने स्माइल किया और कहा, मैं आज भगवान से मिलने वाला हूँ और भगवान के साथ खाना खाने वाला हूँ। गोपी की माँ ने जब ये बात सुनी तो उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस इनोसेंट से विचार को प्रोत्साहन दिया जाए, और उन्होंने फट से चार पराठे बनाए, दो बॉटल में जूस भी भरा और सब कुछ पैक कर गोपी को दे दिया और बोला, बेटा जाओ और भगवान के साथ लंच कर। गोपी ने जब ये सब अरेंजमेंट देखा तो उसको बहुत खुशी हुई। उसने झट से अपनी माँ को गले से लगाया, अपनी बैग उठाई और बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन जब वो बाहर जा रहा था तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि बेटा बहुत दूर मत निकल जाना और जल्दी से वापस भी आ जाना। खाने का बैग लेकर गोपी खुशी खुशी अपने घर से निकला और बस कुछ कदम ही चला था कि उसको सामने एक पार्क दिखा, और पार्क में उसे दिखे कबूतर जो वहां बैठकर दाना चुग रहे। गोपी को कबूतर बहुत पसंद है, इसलिए तुरंत ही पार्क के अंदर गया और वहां पर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। गोपी कुछ देर तक तो कबूतरों को देखते रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ कि शायद उसको भूख लग रही है। तो उसने अपने बैग में हाथ डाला, एक जूस की बोतल निकाली और ओपन कर पीने ही वाला था, तभी उसकी नजर पड़ी अपने अपोजिट एंड पर। उसके अपोजिट एंड पर एक बुढ़िया सी औरत बैठी हुई थी जो उसी की तरफ देख रही थी। गोपी ने जैसे ही उस औरत को नोटिस किया उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसको ये बात पता चल गई कि शायद औरत भूखी बैठी हुई है। गोपी ने अपने बैग में हाथ डाला, एक और जूस की बोतल निकाली और वो अपनी बेंच से उठकर उस औरत के पास गया और उसको बोतल दे दी। उस औरत ने जब देखा कि गोपी उसके लिए जूस की बोतल लेकर आया, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और उसने गोपी के हाथ से बोतल ले ली। गोपी वहां से वापस आकर अपने बेंच पर बैठ गया। गोपी चाहता तो था कि उस औरत से बात करे, लेकिन उसको पता था कि शायद उस औरत को हिंदी नहीं आती, उसको सिर्फ तेलुगु आती होगी, और क्योंकि गोपी को तेलुगु नहीं आती वो शायद उस औरत से बात नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो उस औरत को देखते रहा। गोपी अपने बेंच पर बैठकर अपना जूस पीने लगा और दूसरे एंड पर वो औरत उसके दी हुई बोतल से जूस पी रही थी और स्माइल कर रही थी। गोपी ने जब उस औरत को स्माइल करते हुए देखा तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा था, लेकिन ये जो सीन वो देख रहा था कि औरत हैप्पीली जूस पी रही है और स्माइल कर रही है, इससे उसको बहुत आनंद मिल रहा था। गोपी ने फिर से अपने बैग में हाथ डाला और कुछ पराठे निकाल लिए। वो फिर अपनी बेंच से उठा, फिर गोल घूमकर उस औरत के पास गया और उसको दो पराठे दिए। औरत ने फिर गोपी की तरफ देखा, उसके हाथ के पराठे देखे, और इस बार जो उसके चेहरे पर स्माइल आई वो पिछली बार की स्माइल से कई गुना बड़ी थी। गोपी ने भी मुस्कुराया और उसको फिर से एक बार पराठे ऑफर किए और उस औरत ने वो पराठे एक्सेप्ट कर लिए।
गोपी फिर अपने सीट पर वापस आया, अपने बैग में हाथ डाला और एक पराठा निकालकर खुद खाने लगा। दो अनजान लोग एक दूसरे के सामने एक अनजान पार्क में बैठे हुए पराठे खा रहे थे और दोनों के चेहरे पर एक अप्रतिम स्माइल थी। जब ये सब चल रहा था तो गोपी को बहुत आनंद महसूस हो रहा था, उस औरत की स्माइल देखने की और इच्छा हो रही थी। गोपी ने अपना बचा हुआ एक पराठा भी उस औरत को दिया और जब उसने अपना आखिरी पराठा उस औरत को दिया तो उस औरत के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था, एक खुशी का भाव था। गोपी को ऐसा अनुभव पहले जिंदगी में कभी नहीं आया था। उसने जब उस औरत के चेहरे पर की स्माइल देखी, वो संतुष्टि का भाव देखा, वो खुशी का अनुभव देखा, तो उसके दिल में एक ऐसी फीलिंग जागृत हुई जिसने उसे गदगद कर दी। वो आनंद का भाव, वो संतुष्टि का भाव लेकर गोपी अपने बेंच पर वापस आया, अपनी बैग उठाई और अपने घर की तरफ जाने लगा। लेकिन जब वो घर की तरफ जा रहा था तो पता नहीं उसके दिल में क्या विचार आया, वो पलटा और दौड़कर उस औरत के पास गया और उसको गले से लगा लिया। गोपी ने जब उस औरत को गले से लगाया तो उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने भी गोपी को गले से लगाया और कुछ देर गले मिलने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते अपने घर चले गए। गोपी जब अपने घर वापस आया तो उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसकी माँ ने ये देखा और उसको कहा कि बेटा आज तुम क्या कर कर आया। गोपी ने हंसते हुए अपनी माँ को कहा, माँ आज मैं भगवान के साथ लंच कर कर आया हूँ और तुमको इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि भगवान एक औरत है और उसकी स्माइल दुनिया की सबसे बेहतरीन स्माइल है। इसके पहले कि माँ कुछ और बोल पाती, गोपी हंसते हंसते अपने कमरे के अंदर चला गई। शहर के दूसरी ओर जब वो बूढ़ी औरत अपने घर पर पहुंची तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था, एक खुशी का भाव था। उसकी बेटी ने जब उसको देखा तो उसने पूछा कि माँ आज तुम क्या कर कर आई हो, तुम बहुत खुश लग रही हो। तो बूढ़ी औरत ने अपने बेटी से कहा, बेटी आज मैं भगवान के साथ लंच कर कर आई हूँ और तुमको विश्वास नहीं होगा, भगवान उम्र में बहुत छोटा सा बच्चा है। इससे पहले कि उनकी बेटी उनसे कुछ और सवाल पूछ पाती, औरत खुशी खुशी अपने कमरे के अंदर चली गई। हैदराबाद शहर के दो कोने में दो लोग आज बहुत खुश थे और शायद उनके चेहरे की स्माइल देखकर भगवान भी ऊपर से स्माइल कर रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमको सीखने की जरूरत है कि भगवान कहीं और नहीं रहता, भगवान हमारे अंदर ही रहता है। और एक दूसरे के अंदर का भगवान जब हम जान लेंगे तब हमको भगवान की खोज करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोपी ने पार्क में उस भूखी औरत को देखा और सोचा कि क्यों ना मैं अपने पराठे और अपने जूस उस औरत के साथ शेयर करूं, और जैसे उसने ये किया उस औरत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। और दोस्तों, ये जो संतुष्टि की, ये जो खुशी की स्माइल किसी के चेहरे पर आती है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता, इसका कोई वैल्यू नहीं लगा सकता, क्योंकि ये इनवैल्यूएबल होता है। हमको जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के चेहरे पर स्माइल ला सके, उनके जिंदगी में वो अनुभव क्रिएट कर सके जो शायद आमतौर पर उनको नहीं मिल रहा है। दोस्तों, भगवान कहीं और नहीं रहता, भगवान हमारे बीच ही रहता है। हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, हम जिन लोगों के साथ दिन रात रहते हैं, उनके अंदर भी भगवान का प्रतिरूप है। ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। हम हमारी ज़िंदगी में कोशिश करते रहते हैं कि जो भगवान हमको आंखों से नहीं दिख रहा है हम उसको खुश करें, लेकिन जो लोग हमारी आंखों से दिख रहे हैं क्या हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं? एक बार कोशिश करके देखिए, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। इस दुनिया में कितने ही धर्म क्यों ना हो, लेकिन आज भी इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत ही है। दुनिया का कोई और धर्म को समझ में आए ना आए, लेकिन इस इंसानियत को पहचानना और इस इंसानियत के धर्म को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप लोगों से मिलेंगे तो उनके अंदर बसे हुए भगवान के प्रतिरूप को जानेंगे। तो चलिए, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराहटें बांटते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानी हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमें ये भी बताइएगा कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे, ताकि आपके फीडबैक को लेकर हम आपके लिए वो कहानियाँ ला सके जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियों में वैल्यू दिख रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके ज़िंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूडेशन। धन्यवाद।